सा वाला ट्रांसफार्मर है, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ऑयल टाइप में भी ट्रांसफार्मर, ऑयल टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से हमारा मतलब हो गया कि इसमें हमारी कुछ भी वोल्टेज आई है और उस वोल्टेज को हमने फिर कम किया है, डाउन किया है, और उस डाउन वोल्टेज को फिर हम यूज कर रहे हैं अपने जो नॉर्मल डे टू डे के वर्क हैं उसके लिए। जब हम इसमें LT में देखते हैं तो ये कितनी केबल लगी हुई है, 3, 3, 6, 7 केबल यहाँ कनेक्टेड हैं। ये एक केबल 3.5 कोर की है, 3.5 कोर से आप लोग समझ रहे हैं मतलब क्या है। इसमें देख के इस मेरे को इसके थ्रू देखना है आपको, ठीक है। 3.5 कोर से मतलब हो गया, एक तो R होता है फेस, एक Y होता है, एक B होता है और एक ब्लैक होता है। ब्लैक का मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल जो नॉर्मल केबल होता है ना उससे आधा होता है। तो इसलिए ये कहूँगा ये कितने कोर की केबल है, 3.5 कोर की ये केबल है। ये कौन सी है हमारी, आउट। थोड़ा सा प्लीज एक बार इनको दिखाएं, आउट कैसे कैसे जा रहा है, कितनी सारी केबल हैं, ठीक है। आपको जो देखना है ना इसके थ्रू ही देखना है। हाँ, जब ही एक जो सामने वाले कहेंगे आज कैमरामैन बहुत बढ़िया है, तो ये हमारा आउट है। आउट से कितनी वोल्टेज निकली है हमारी, 415 वोल्टेज निकली है, ठीक है। अभी इन कहाँ पर है, इन हम उधर देखेंगे, इसके दूसरी तरफ जब हम उधर जाएंगे, उधर आप देखोगे सिंगल केबल इसके अंदर कनेक्ट होगी, और वो कितने कोर की केबल होगी, 3 कोर की होगी। जैसे यहाँ पर 3.5 है, वहाँ खाली 3 कोर की केबल हमारी कनेक्टेड होगी। क्लियर, काट दो अगर कोई कॉल आता है तो यहाँ पर हमारी 3.5 कोर की केबल हमारी यहाँ पर जो इन में है वो कनेक्टेड है। तो अब वहाँ से 3 घुस रहे थे, यहाँ से 3.5 कैसे निकल के आ गए, ये भी एक कन्फ्यूजन का थोड़ा सा। जी सर, हाँ हाँ, तो जो हमारी आउट है ना वो 3.5 कैसे निकली सर जी, KCL के अनुसार कि संधि पर मिलने वाली कुल धाराओं के बीच गणितीय योग शून्य हो जाता है, उसके अनुसार वहाँ से विभव के कारण न्यूट्रल ले लिए। जो उधर जो कनेक्शन दिया था हमने वो डेल्टा में कनेक्शन दिए थे इसके कनेक्शन, और इधर जो आउटपुट निकला है स्टार में निकला है। स्टार में क्या होता है कि भाई इसमें 3 कॉयल हैं, एक R की, एक Y की, एक B की, तो 6 तार टोटल निकले। 6 में से 3 तार को हमने एक साथ में कनेक्ट कर दिया और 3 तार से RY भी निकाल दिया। जो एक तार कनेक्ट हो, मतलब सांबर तीनों तार हमने कनेक्ट किए, वहाँ पर हमने क्या किया कि एक अर्थिंग लेके, यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो ये न्यूट्रल को कनेक्ट किया गया है अभी यहाँ पर, तो यहाँ से हमने अपना ये अर्थिंग से न्यूट्रल को बना लिया है, ठीक है। क्लियर हो गए, ग्राउंडिंग किया गया है, तो हमारा यहाँ से न्यूट्रल बन के अब निकल गया है। ये इसलिए करते हैं ताकि हमारे तीनों लोड का लोड बैलेंस रहे। अभी इनपुट और आउटपुट हमारे को समझ में आ गई, ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर हमारे को समझ में आ गया कि सर ये ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर है। अगला स्टेप आता है कि सर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, और उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि सर इसका मेंटेनेंस कैसे कैसे करते हैं। उसके साथ साथ में हम समझेंगे इसकी सेफ्टियाँ क्या क्या होती हैं और वो सेफ्टियाँ कैसे काम करती हैं, कौन सा पार्ट लगा रखा है, क्यों लगा रखा है। तो अभी हम अगर इस ट्रांसफार्मर की तरफ देखें तो इसमें चारों तरफ एक पूरा लोहे की पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी को अर्थ किया गया है, ठीक है। आप इसको देखेंगे वहाँ नीचे से देखो, उधर दिख रहा है आप लोगों को, बैठ के देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा, देखो वो वहाँ पर अर्थ किया गया है। इसी तरह कम से कम एक अर्थ और होगा एक दूसरी तरफ से, तो दो अर्थ इस ट्रांसफार्मर को हम करते हैं। सर ये भी तो अर्थ, ये न्यूट्रल के लिए दिया गया है, वो बॉडी अर्थ के लिए दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोडक्शन इसका हो गया कि भाई हमारी जो अर्थिंग है वो इसकी बॉडी के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। भाई अर्थिंग तो कनेक्टेड है बट अर्थिंग की वैल्यू ही बहुत गड़बड़ चल रही है, तो मैं अर्थिंग की वैल्यू भी कम से कम महीने में एक बार हम चेक करते रहते हैं। इसकी जो न्यूट्रल से कनेक्टेड है उसकी वैल्यू, या उसमें पानी वानी डालना है या कुछ है, वो एक्टिविटी हम एक अपनी साथ के साथ करते रहते हैं।
अभी हम थोड़ा सा इसमें आगे आ जाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके अंदर एक हमारी कोर होती है, सब लोगों को पता है, आप लोगों को जो प्रैक्टिकल एक स्क्रीन पर दिखाया था उसमें था सर, इसके अंदर कोर है कि कोर के चारों तरफ ऑयल भरा हुआ है। तो वो टैंक ये वाला टैंक है, ये फिन्स हैं सारी, रेडिएटर जिनको बोलते हैं, कूलिंग फिन्स भी इसको उनको बोल देते हैं। तो तेल क्या होता है कि तेल गर्म होता है, गर्म होगा तेल ऊपर उठेगा, यहाँ से आएगा इस पाइप में, पाइप में जाते ही नीचे जाएगा और फैल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे ऊपर दो पेंचे लगे हुए हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, ऊपर दो पेंचे लगे हुए हैं। तो वो क्या है, एक वाल्व है। अगर किसी वजह से यहाँ से ऑयल लीक होने लग जाए तो मैं कैसे करूँगा भाई, कैसे इसको बदलूंगा या वेल्ड कराऊंगा, कैसे कराऊंगा? तो जो दो पेंच लगे उन पेंचों को खोलूंगा और उस वाल को घुमा दूंगा। उसी तरह ये नीचे लगा रहता है, सेम वाल, इसके नीचे वाली, नीचे जो पाइप लगा हुआ है इसमें भी लगा रहता है। तो मैं दोनों वाल बंद कर दूंगा, ये एक इधर नट दिख रहा है, नट को खोलूंगा, इसके नीचे कुछ लगा दूंगा, सारा ऑयल इसके अंदर आ जाएगा। सारा ऑयल कहाँ आ गया हमारा, हमारा निकल गया बाहर, हमारी ये बिल्कुल खाली होगी। इसके अंदर ये पेंच दिख रहे हैं आप लोगों को, चार और चार नीचे आठ पेंच है, हम खोलेंगे ये पूरा बाहर आ जाएगा, इसको रिपेयर कराएंगे, टेस्ट कराएंगे और दोबारा फिक्स कर देंगे। ये वाल बंद करने से ये हो सकता है कि मेरे पास एक ही ट्रांसफार्मर है तो मुझे, और मुझे लगे कि दो दिन में रिपेयर होकर आएगा, तो मैं वाल को बंद करके ट्रांसफार्मर को चला सकता हूँ, थोड़े कम लोड पर चला सक दूंगा, बोल दूंगा भाई थोड़ा सा कम लोड यूज करें, क्योंकि एक ट्यूब हम इसके निकाल रहे हैं, एक कूलिंग का जो ये रेडिएटर है निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा कूलिंग में इफ़ेक्ट पड़ सकता है, हाई टेम्परेचर का अलार्म न आए। तो ये चीज़ें, ये हमारा ठंडा करने के लिए है ऑयल को। ऑयल गर्म कैसा होता है कोई बताएगा? कोई कॉइल में जब वोल्टेज आती है तो, जब कॉइल में वोल्टेज आती है, जब वो अपना वर्क करती है तो वो हीट होती है, उसी हीट को दूर करने के लिए ऑयल में उसको रखा जाता है। जब उसकी हीट ऑयल ले लेता है फिर ऑयल को हमें ठंडा करना पड़ता है। इसमें ये चीज़ है कि भाई ऑयल हमेशा ना भरा रहना चाहिए। भाई कैसे रखेंगे भरा, ऑयल गर्म रहेगा, जैसे मैं कहूँ कि पतीला है भाई, तो बिल्कुल दूध का पतीला भरा रहना चाहिए भाई, भरा तो रहेगा बट जो गर्म होगा तो क्या होगा, ऊपर उठेगा तुरंत फैल जाएगा। तो हमने क्या किया इसके अंदर, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटर टैंक है ये हमारा, हमने इसके अंदर कंजर्वेटर टैंक डाल दिया और उस टैंक में हाफ तक ऑयल इसमें भर दिया, हाफ तक, आप इसमें देखेंगे हाफ तक ऑयल भरा रहता है। वो इसलिए भरा रहता है, जब ऑयल हमारा गर्म होता है, जब ऑयल हमारा गर्म होता है तो गर्म होके ऊपर की तरफ उठेगा तो खाली जगह में ले लेगा। तो क्या है, ये आधा भरा रहता है और आधे में क्या होता है, खाली नहीं होता, आधे में एयर होती है। तो भरा हुआ पूरा है, आधे में ऑयल है, आधे में एयर है। तो जब ऑयल ऊपर की तरफ होगा तो एयर क्या करेगी, एयर इस ब्रीदर के थ्रू बाहर निकलेगी, ब्रीदर के थ्रू बाहर निकलेगी, निकल गई भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, ब्रीदर के अंदर क्या भरा हुआ है, सिल्का जल है। कलर कैसा है इसका, नीला, जो इसका बेस्ट कलर होता है यही होता है। अगर इसका कलर थोड़ा बैंगनी बोलते हैं, लाल कलर का हो गया है, सॉरी लाल पिंक हो गया है, तो समझो कि ये गड़बड़ हो गया है, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है या इसको हीट करके दोबारा रीयूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी ये परफेक्ट कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है, एयर इसके अंदर से बाहर निकल गई। अभी क्या हुआ, ऑयल ठंडा होने लग गया, ऑयल पहले यहाँ तक था, अब ऑयल वापस नीचे आने लग गया। तो भाई फिर खाली जगह में कुछ न कुछ तो आएगा, एयर आएगी, कैसे जाएगी एयर, फिर एयर इसके अंदर, ये नीचे कप है, इसके अंदर ऑयल भरते हैं, इसके अंदर कम से कम इतना ऑयल भरा रहता है, इसके अंदर से जाएगा सिल्का जल के अंदर से जाएगा और एयर अंदर चली जाएगी। अगर इसके अंदर मॉइस्चर वाली बरसात हो रही है भाई, जब भी तो अप डाउन होगा, अभी तो चलो एयर में मॉइस्चर उतना नहीं है, उस दौरान एयर में मॉइस्चर हुआ, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर अंदर तक चला गया तो हमारा जो ऑयल है वो ख़राब होने लग जाएगा। ज़्यादा ऑयल आ गया तो वाइंडिंग भी जल सकती है और बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है।
तो हमने उसके प्रोटेक्शन के लिए इसमें सिल्का जेल रख दिया। जब इसके अंदर से जाता है तो ये मॉइस्चर को सोख लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, और वो कलर इसका चेंज होते रहता है। तो हमें समझ में आ गया कि ब्रीदर का क्या काम है, सांस लेने का हम कह सकते हैं, बट अब देखा जाए तो भाई ये कोई निर्जीव चीज़ है, सांस तो कुछ लेती नहीं है। तो एक बेसिक प्रोसेस है वो अपना, हाँ, जो जो एयर है टैंक के अंदर, जो एक्स्ट्रा एयर रहती है जब ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है वो बाहर आने, और जब ऑयल का टेम्परेचर वापस जाता है तो जो एयर वापस जाएगी, उन सब चीज़ों के लिए सब लगा रखा है, ठीक है। अब ये ब्रीदर का भी हमें समझ में आ गया कि सर इसको इसलिए करते हैं, इसका कलर हमें ऐसा होना चाहिए, ऐसे इसका वर्किंग है। इसमें बस ये आधा ढक्कन होता है ऑयल का, इसके अंदर भर देते हैं। ऑयल का यूज सर इसी ऑयल का यूज करते हैं, जब डस्ट जाएगी वो ऑयल के अंदर से उग जाएगी तो डस्ट यहीं और उग जाएगी हमारी, ठीक है। हमने कंजर्वेटर टैंक समझ लिया, हमने ब्रीदर समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया सर ये इसको ठंडा करने के लिए होती हैं। एक आप देख रहे हो ऊपर एक जुगाड़ सा दिख जाए, पाइप सा गया है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन मतलब जैसे बम होता है हमारा, अरे भाई एक्सप्लोजिव है, तो जब अगर ट्रांसफार्मर में कोई बहुत बड़ा फॉल्ट हो गया है तो क्या होगा हमारा, उस कंडीशन में भाई ट्रांसफार्मर फट सकता है। तो उस कंडीशन में क्या हो कि इसके अंदर जो गैसेज हैं वो यहाँ से बाहर आ जाएंगी, कुछ ऑयल बाहर आ जाएगा, हमारा ट्रांसफार्मर में जो गैस किट है या जो भी ट्रांसफार्मर फटेगा नहीं। जैसे आप कुकर होता है, कुकर में एक सेफ्टी पिन देखते हो कि जब उसके अंदर ज़्यादा कुछ हो जाए तो वहाँ से गैसेज निकल जाए, तो उसी तरह का ये सिस्टम इसमें दिया गया है, ठीक है। एक्सप्लोजन वेंट भी इसकी एक सेफ्टी है। उसके बाद में हम थोड़ा सा इस टैंक, ये किस टैंक को क्या बोलते हैं हम लोग, और ये है मेन टैंक, इन दोनों टैंक के बीच में वो बकोज रिले लगी हुई है, आप सब लोग देख रहे होंगे, बकोज रिले है। अभी वो रिले का नाम तो मुझे पता लग गया है सर, बकोज रिले है, और बकोज रिले के ऊपर आप इधर से आप देखेंगे, इधर से देखेंगे तो एक वाल सा, दो वाल से भी लगे हुए हैं उसके ऊपर, देख पा रहे हैं सब लोग। बकोज रिले हमारी गैस ऑपरेटेड रिले है। जब हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट होता है तो ये कहाँ लगा हुआ है, मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा हुआ है। कौन कर रहा है बार बार कॉल, पता नहीं 86 से। हाँ कोई नहीं, काट दो। तो जो हमारा ये कहाँ पर लगा हुआ है, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगा हुआ है। जब मेन टैंक में कोई फॉल्ट होगा, कोई छोटा मोटा फॉल्ट होगा, तो गैसेज उसके अंदर बनेंगे, गैसेज बनेंगी तो उसमें बबल्स बनेंगे, वो बबल्स बनेंगे, बबल्स फिर बाहर आने की कोशिश करेंगे, तो यही एक रास्ता है उनको बाहर की तरफ आने का। जब वो बाहर की तरफ आएंगे बबल्स तो इसके अंदर फ्लिप होते हैं, तो वो बबल्स क्या करते हैं कि उस फ्लिप के अंदर फंसते रहते हैं और उसको NONC बनाते हैं, ठीक है। तो उसके अपना NONC बनाते हैं, तो उस तरह करके जब ये NONC बनाएंगे तो दो तरह की कमांड ये देती है। पहली अलार्म की कमांड देती है, भाई छोटे कम बबल्स आ रहे हैं या कुछ इस तरह का है तो अलार्म की कमांड देगी। अंदर कोई थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा फॉल्ट हो गया तो बबल्स ज़्यादा आएंगे, एक स्पीड से बबल्स आएंगे तो फ्लिप को रिएक्ट करेंगे और तुरंत ट्रिप हो जाएगी। क्या ट्रिप होगा, ट्रांसफार्मर ट्रिप होगा, VCB को ट्रिप करेगा ये। क्या ट्रांसफार्मर का भी ट्रिप होता है, नहीं सर, ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ ट्रिप होने का होता ही नहीं है। इसकी जो ST की सप्लाई होती है, VCB जो हमारी लगी रहती है, VCB की को बंद कर देता है, VCB को ट्रिप कर देता है। तो इस तरह करके ये हमारा सिस्टम वर्क करता है, बकोज रिले वर्क करती है। बकोज रिले भी हमारी एक सेफ्टी का ही पार्ट है, सेफ्टी ही है। कुछ टैंक के अंदर, जैसे इसके अंदर MOG नहीं लगा हुआ है, जैसे इधर तो अलावल इंडिकेटर है, इसके दूसरी तरफ हम MOG देते हैं। MOG की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक ऑयल गेज। वो क्या कहता है कि वो भी हमारी
जो ट्रांसफार्मर की सप्लाई को कट कर देती है वो भी हमारे वीसीबी को ट्रिप कराती है। वो कैसे कराती है और क्यों लगाते हैं? भाई मैंने आप लोगों को बोला कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर भाई हमेशा तेल भरा रहना चाहिए, ठीक है? तेल कम होगा तो क्या होगा? जल जाएगा हमारा ट्रांसफार्मर, जल जाएगा। अलार्म तो सेकेंडरी चीज़ है अपनी, ठीक है? नहीं होगा तो जल जाएगा, तो भाई जलना नहीं चाहिए मेरा। तो मैंने उसमें बकोज रिले लगा दी। उसमें क्या होता है, एक फ्लोट लगा रहता है, जैसे ऑयल कम होता है और ऑयल एक सर्टन लेवल तक कंजर्वेटेड टैंक में कम हो जाएगा तो वो दो कमांड भेजता है। पहले अलार्म की भेजेगा कि भाई इसमें ना लेवल कम हो गया है, देखो कुछ ना कुछ। आप नहीं देखते हो तो कुछ देर के बाद में ऑयल निकलता रहेगा, सपोज यहीं से निकल रहा है, तो फिर उसके बाद वो ट्रिप करा देगा हमारे सिस्टम को, ठीक है? तो MOG भी हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेफ्टी होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक PRV है, प्रेशर रिलीव वाल है, और जिस सिस्टम पे लगी हुई है ये हमारा ऑन लोड टेप चेंजर है। इसको क्या बोलते हैं? OLTC बोलते हैं, ऑन लोड टेप चेंजर इसको बोलते हैं। यही वाली सेफ्टी हमारी बहुत बार जो हमारा मेन टैंक होता है उसके ऊपर भी लगी रहती है। इसको बोलते हैं PRV, प्रेशर रिलीव वाल। जब हमारे जो ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होगा, गैसेज बनेंगी, प्रेशर बनेगा, तो ये क्या करते हैं, ये देखो ये एक लिमिट स्विच लगा हुआ है इसके ऊपर। ये लिमिट स्विच आप लोगों ने अपने ऑफिस में भी देखा होगा इसको। तो ये जो इधर पत्ती रहती है, ये यहाँ जो पत्ती है, एक लीवर है, इसको बाहर की तरफ कर देगा और ये VCB को ट्रिपिंग की कमांड दे देगी। ये एक और छोटा टैंक यहाँ लगाया गया है। किस चीज़ के लिए लगाया गया है? ये ऑन लोड टेप चेंजर के लिए लगाया गया। ये एक कंजर्वेटर टैंक लगाया गया है इसके साथ में। ये लगाया गया है इधर, इसको OSR बोलते हैं, ऑयल सर्ज रिले। जैसे बकोज रिले गैस आने पे काम करती है, अगर इसके अंदर ऑयल है, ऑयल भाई स्पीड से बाहर की तरफ या अंदर की तरफ कुछ आने लग जाए, कुछ उस तरह का हो, तो उस कंडीशन में ये ऑयल सर्ज रिले काम करती है। और मैंने बकोज रिले के ऊपर भी दो वाल बताए थे, इसके ऊपर भी वाल बता रहा हूँ। इसके अंदर जो कुछ गैस बनती है उस गैस को रिलीज करने का काम करता है। हमारी बकोज रिले का अलार्म आ गया है तो जब तक उस गैस को रिलीज नहीं करेंगे हम, हमारी बकोज रिले रीसेट नहीं होगी। जब तक हमारी बकोज रिले रीसेट नहीं होगी, जब तक जहां हमारी कमांड जाती है, कौन सी रिले होती है वो? हाँ भाई, VCB में कौन सी रिले लगी रहती है? क्या नाम है इस नहीं क्या बोलते हैं उसको? ओके, तो वो क्या करेगी ऑक्सिलरी रिले? वो सिस्टम को आगे ट्रिप कराने की कमांड दे देगी, ठीक है? तो अभी हमें समझ में आया कि भाई ये क्या क्या चीजें लगी हुई हैं और कैसे कैसे ये काम करती हैं। इस ट्रांसफार्मर में एक साल के अंदर अंदर इसका डिहाइड्रेशन भी होना चाहिए, इसका ऑयल भी चेक होना चाहिए। जो ऑयल चेक करते हैं और जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं BDV, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट उसको बोला जाता है, ठीक है? तो वो होता है हमारा BDV, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट। इसके अंदर आप देखोगे तो दो वाल लगे होंगे किसी न किसी साइड में, एक उस साइड में वाल लगे रहते हैं, एक ऑयल निकलने का और एक वापस जाने का। तो एक मोटर होती है, एक नीचे और एक ऊपर लगा देते हैं, नीचे से ऑयल सक करती है। एक मशीन के अंदर वो सारा ऑयल जाता है। मशीन में तीन चीजें लगी रहती हैं, एक उसके अंदर हीटर्स लगे रहते हैं एक एरिया में, जो ऑयल को गर्म करते हैं, जो मॉइस्चर होता है उसको कम करते हैं। एक वैक्यूम चैम्बर बनाया रहता है जिसके अंदर, अगर इसके अंदर कुछ कार्बन पार्टिकल्स हैं तो वैक्यूम चैम्बर क्या करता है, उन कार्बन पार्टिकल्स को कुछ अलग करने की कोशिश करता है। और तीसरा लगा रहता है एक फिल्टर, अगर इसके अंदर कुछ गंदगी है तो वो फिल्टर उस गंदगी को रोक लेगा वहीं पर, और इसके अंदर जो फिल्टर हो गए साफ ऑयल हमारा आएगा।
ठीक है। तो हमने इसकी ये मोस्टली चीजें देख ली हैं। एक और WTI और OTI और है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं और कहाँ लगी हुई है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वो उस साइड में लगी हुई है, ट्रांसफार्मर से थोड़ा दूरी बना के रखना है सब लोगों को। यहाँ पर ये देखेंगे मार्शलिंग बॉक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर आप लोगों को 2 मीटर दिख रहे होंगे, जैसा कि आप लोगों ने क्लास में भी देखा था, सेम चीज़ें होती हैं। सेम मीटर है अपने ऑफिस में भी जो लगा हुआ है। तो इसमें एक ये ऑयल OTI है, ये WTI है। जब ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, देखो ऊपर से 2 सेंसर्स आए हैं, 2 वायर आए हुए हैं और इसके अंदर लगे हुए हैं ये। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जब हमारा ऑयल और वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है तो पहले अलार्म देते हैं। 2 सेटिंग होती हैं इसके अंदर, एक अलार्म की सेटिंग होती है, एक ट्रिपिंग की सेटिंग होती है। जो अलार्म की सेटिंग होती है उस पर अलार्म आता है, जो ट्रिपिंग की सेटिंग होती है उस पर ये हमारी HT पैनल को, HT ब्रेकर को ट्रिप कर देता है। क्लियर हुआ इसमें सर? अभी तक जो हमने देखा, अब थोड़ा उधर ही चलेंगे हम लोग, इधर थोड़ा कंजेस्टेड है। हाँ, वो एक बार इसको खत्म कर देता हूँ। तो अभी किसी को कुछ डाउट है अभी तक? ये जो मैंने बताया ना, डिहाइड्रेशन के लिए इसको घुमाएंगे ना, उस चीज के लिए होता है। वो नहीं लगा है इसमें। OMG इसमें नहीं लगा है। ठीक, जैसे इधर साइड में है, उस साइड में जो एरिया है वहां पर लगा रहता है वो। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं आप लोगों को HT केबल और दिखा देता हूँ। इधर ये हमारा HT का सेक्शन है, इसमें हमारी HT केबल, ये आप देखेंगे ये नीचे HT केबल सीन किया है। हाँ, HT केबल यहाँ पर ये दिख रही है आप लोगों को, ये इनपुट है। 3 वायर ही इसके अंदर से घुसे हैं। ठीक है, ये इसके लिए ब्रीदर लगा हुआ है। हाँ, इसमें भी सर सिल्का जल भरा होगा? हाँ जी बिल्कुल, सिल्का जल भरा होगा, ब्रीदर है तो सिल्का जल ही होगा इसके अंदर। हाँ, बताएंगे इसको। अभी तक जो हमने देखा उसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है? 33/4/15। हाँ जी, अभी हमने देखा, अभी हमने बात कर ली, इसके पार्ट्स हमने समझ लिए, सेफ्टी हमने समझ ली क्या क्या है, क्या क्या सेफ्टियाँ होती हैं इसकी। अब डेली वर्क इसका, भाई डेली आके मुझे क्या चेक करना होता है? जो हमने WTI और OTI में टेम्परेचर हमारा कितना था मैक्सिमम, वो हमें ऑब्जर्व करना होता है, चारों तरफ घूम के देखना होता है कहीं से कोई ऑयल लीकेज वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। और जो ऑयल का लेवल है हमारा, वो हमें चेक करना होता है, सिल्का जेल की कंडीशन हमें चेक करनी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें डेली बेसिस पे चेक करनी होती हैं, एक रजिस्टर में एंट्री करनी होती है। अभी किसी का कोई कन्फ्यूजन है, कोई पूछना चाहता है कुछ? सर, ये पॉइंट अर्थिंग चिन्ह बना हुआ था, यहाँ से अर्थिंग करने के लिए है? ये पूरा हमने पूरी बॉडी को कर दिया है, यहाँ अलग से करना है कर सकते हैं। सुधीर जी,